दोस्तों, आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और ये बहुत समय से आ रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप कक्षा 12 के लिए जो प्रेस है। जब भी हम दोस्तों प्रिंट आउट 3 दिन बाद करते हैं तो वो प्रिंट नहीं निकलता है, ना ही वो ऑप्शन ओपन होता है। हालांकि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब से दोस्तों वेबसाइट में बदलाव किया गया है तो वेबसाइट में कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू बना ही रहता है। दोस्तों, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों हम एक फॉर्म नहीं, हम पूरे कॉलेज का ही डाटा सबमिट करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म रहते हैं जो कि यहाँ पर हमारे हमारे फॉर्म भी सबमिट नहीं हो रहे हैं। कैसे करना है पूरे प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर जाते हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट लॉगिन स्टूडेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसकी हम डिटेल को फिल करते हैं। हम चेक करते हैं क्या वो ऑप्शन ओपन हो रहा है या नहीं, और डेट देख सकते हैं दोस्तों 8/11/2024, मतलब यहाँ पर 11वें महीने में, ये मतलब आज के डेट में, और ये टाइमिंग हो रहा है 6:46 सुबह का टाइम है। हम इस पर लॉगिन करते हैं। ये दोस्तों डिटेल भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट बटन पर, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा संस्था हेतु ये ऑप्शन ओपन हो रहा है जो कि पहले ओपन नहीं हो रहा था। अब दोस्तों वीडियो में यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ पर ये बताया कि हम टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें या और कहीं संपर्क करें तो हमारा प्रिंट निकल, तो मे भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैंने बताया कि हम पूरे कॉलेज का ही एक कॉलेज का ही पूरा फॉर्म भरते हैं, तो मतलब बहुत सारे फॉर्म रहते हैं। हमने बहुत सारे फॉर्मों को चेक किया है, किसी में भी ये संस्था हेतु प्रिंट जमा करने का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा था। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में, इसको जहाँ पर जिले पर जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर संपर्क किया, तो उन्होंने ये बताया कि आपको कुछ टाइम वेट करना है, वेबसाइट में अभी टेक्निकल इशू चल रहा है, कुछ दिन बाद ये प्रिंट निकलने लगेगा। दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई लोग ये सोचते होंगे कि प्रिंट नहीं निकलेगा, डेट ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑल ओवर यूपी चल रहा है। दोस्तों दूसरा इशू मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट दोस्तों जो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया गया है, नया सॉफ्टवेयर जिसमें देख सकते हैं कि कभी कभार NPCI भी है, NPCI डिजी लॉकर सत्यापन नहीं होता है, तो इसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है और ये प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करना होगा। या दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही कम लोगों को स्कॉलरशिप देना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पर संस्था हेतु प्रिंट, हम इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा नेट भी है, फिर भी ये स्लो चल रहा है। ये दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट में ही अभी पूरा पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन में ये प्रिंट निकलने लगेगा, क्योंकि हमने समाज कल्याण विभाग में जाके इन सारी चीज़ों को, जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हमने सारी चीज़ों को डिस्कशन किया, उनको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपका टेम्प्रेरी इरर आएगा, कभी दोस्तों मतलब प्रिंट अभी भी नहीं निकल रहा है। जैसे हम नेक्स्ट अभी दिखा सकते हैं कि प्रिंट अभी भी दोस्तों नहीं निकल रहा है, तो आपको कुछ टाइम वेट करना है। या दोस्तों आप, हो सकता है कि आपके अगर जिले के नज़दीक आपके जिले में जो भी समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि आप टोल फ्री नंबर पे इन पे संपर्क करेंगे तो इनके टोल फ्री नंबर पर संपर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ही संपर्क हो सकता है, क्योंकि हमेशा लाइन बिजी ही जाती है। मैंने भी दोस्तों ट्राई किया था और एक बार मेरा कॉल भी लगा, तो उन्होंने इस बारे में कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने हालांकि ये बताया कि हाँ कुछ दिन बाद निकलने लगेगा, लेकिन कम से कम हम 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं, प्रिंट नहीं निकल रहा है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंटों का डाटा है, हमने सबने लॉगिन करके देखा तो ये ऑप्शन ही ओपन नहीं होता था। अब ये ऑप्शन ओपन हो रहा है, तो देख सकते हैं अब ये दोस्तों इरर आ रहा है। तो दोस्तों कुछ टाइम वेट करना है। जैसे यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए हैं, इन पर आप संपर्क करेंगे, हो सकता है कि आप संपर्क करें, अगर ये नंबर लग जाते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर बैकवर्ड से हैं तो बैकवर्ड का ही नंबर लगाएं, तभी आपको जानकारी देंगे, अन्यथा वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। जिस माइनॉरिटी से आते हैं उसी माइनॉरिटी में आपको कॉन्टैक्ट करना है, या अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर लेना है, वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि कुछ टाइम आपको वेट करना है, प्रिंट आपका 100% निकलेगा, क्योंकि जैसे कोई एक फॉर्म है तो हम उसको दोबारा भर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आप दोबारा भर लीजिए, हमने एक फॉर्म को दो दो तीन तीन बार भर के देखा है, प्रॉब्लम सेम ही है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है और ये जल्दी से सही करने वाला, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जा रही हैं विभाग के पास और इसका निस्तारण भी जल्दी से किया जाएगा। तो 1 से 2 दिन में यहाँ पर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर
किसी माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि प्रिंट दोस्तों निकलने लगा है, और वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, हालांकि हम किसी माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे जहां से आप बड़ी आसानी से प्रिंट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार।